दोस्तों, प्याज का तेल यानी कि ऑनियन ऑयल बनाने के 5 तरीके आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि आपको पूरे YouTube पे पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलने वाले। सारी की सारी विधियां, सारी की सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में जो शेयर करने वाला हूं, हमारी आयुर्वेद की किताब चरक संहिता के अनुसार बता रहा हूं। सही विधि जानिए कि किस तरह से आपको प्याज का तेल बनाना है घर पे। 5 तरीकों से आप बना सकते हैं। बालों की मजबूती के लिए इतना बेहतरीन होता है कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत ही आसानी से आधे घंटे के अंदर अंदर आप ये तेल घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। अगर आपके बाल पूरी तरह से झड़ चुके हैं, गंजेपन की समस्या आपको ऑलरेडी हो चुकी है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि आप लड़के हैं लड़की, बाल बहुत ही पतले होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, वॉल्यूम बहुत कम हो गई है, डेंसिटी बहुत कम हो गई है, नए बाल उगाना चाहते हैं, उम्र से पहले प्रीमैच्योर ग्रेइंग हो रही है, सभी समस्याओं के लिए प्याज का ये जो तेल होता है इतना बेहतरीन होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि प्याज का तेल आपको घर पे बहुत आसानी से किस तरह से बनाना है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना, हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत 1 सेकंड के भीतर आपके फोन में मिल जाए। दोस्तों, प्याज के बीच में हाई क्वांटिटी में सल्फर पाया जाता है। अब देखिए, 2 तरह के प्याज आपको मार्केट में मिलेंगे, एक तो लाइट रेड कलर का, एक डार्क रेड कलर का। दोस्तों, आपको डार्क रेड कलर वाला जो कि तीखा प्याज होता है, मिर्ची जिसमें आंखों में भयंकर लगती है, खाने में इतना टेस्ट भी नहीं आता, उसमें सैलेड में भी नहीं खा सकते, सलाद में जो खाने वाला ऑनियन होता है, प्याज होता है, वो मीठा प्याज होता है, वो दोस्तों आपको नहीं लेना है, उसमें सल्फर की क्वांटिटी कम होती है। लेकिन जो तड़के लगाने के लिए स्पेशली इस्तेमाल किया जाता है, सैलेड वाला दोस्तों अलग होता है, तड़के वाला अलग होता है। तड़के लगाने वाला जिससे बहुत भयंकर बदबू आती है, अगर आप उसको खाएंगे, वो प्याज आपको लेना है, उसमें सल्फर कंटेंट अधिक मात्रा में होता है। बालों के लिए जरूरी प्रोटीन और बायोटीन भी इसके बीच में भरपूर मात्रा में होती है, विटामिंस, मिनरल्स, फास्फोरस और भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसके बीच में पाए जाते हैं ऑनियन के बीच में, जो कि अगर आप कोकोनट ऑयल या फिर सरसों का ऑयल, अब ये मैं दोनों आपको चीजें बताऊंगा कि कोकोनट का तेल किस किस को लेना चाहिए, सरसों का तेल किस किस को लेना चाहिए। 2 तरीकों से दोस्तों आप ये तेल बना सकते हैं, कोकोनट से भी और साथ में सरसों से भी। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि आपको सरसों के तेल से किस तरह से बनाना है प्याज का तेल। देखिए, सरसों का तेल वो लोग इस्तेमाल करें जो कि गर्म इलाकों में रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए नॉर्थ इंडिया वाली साइड, जहां पे गर्मी का मौसम बहुत ही ज्यादा अधिक होता है और सर्दी भी बहुत अधिक पड़ती है, यानी कि गर्मी के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, सर्दियों के मौसम में बहुत अधिक सर्दी पड़ती है, वहां के मौसम में आपको जो मस्टर्ड ऑयल होता है जिसको सरसों का तेल बोलते हैं, वो आपको लेना है। तो आपको क्या करना है, 50 ग्राम के करीब करीब लगभग सरसों का तेल ले लेना है, इसको दोस्तों जो लोहे की कढ़ाई होती है उसके बीच में डाल देना है और बहुत ही धीमी आंच पे, यानी कि अगर हो सके तो मिट्टी की लकड़ी जला करके अंगारे जो होते हैं उस पर इतनी धीमी आंच आपको रखनी है। उस पर दोस्तों आपको बीच में क्या करना है, बेरड़ का छत्ता, यानी कि जो मधुमक्खी होती है ना पीले रंग वाली, जो शहद नहीं देती है लेकिन काटती है, उसको तमुड़ी भी बोलते हैं, ततैया भी बोलते हैं, गर्मियों के मौसम में इनके छत्ते आपको देखने को मिल जाएंगे, वो दोस्तों छत्ता आपको लगभग, अगर आप 50 ग्राम सरसों का तेल ले रहे हैं तो आपको 30 से 40 ग्राम वो छत्ता लेना है। और साथ में दोस्तों आपको क्या करना है, बीच में इसके प्याज का रस अभी नहीं मिलाना है, पहले इसको धीमी आंच पे पका करके जब तक ये उबल नहीं जाता और तेल आपका 25 ग्राम नहीं रह जाता, इसको दोस्तों आपको निकाल लेना है और प्याज का रस अलग से निकाल करके आपको दोस्तों ऊपर से इसके बीच में डालना है। ये पहला तरीका होता है दोस्तों, और सही तरीका, जो जेन्युइन तरीका होता है। कभी भी प्याज को आपको आग पे नहीं पकाना चाहिए, प्याज को अगर आप आग पे पकाएंगे, तेल पे पकाएंगे, तो दोस्तों उसके पोषक तत्व तो डिस्ट्रॉय होते हैं, साथ में ये इतना भयंकर नुकसान करता है आपके बालों को सफेद करने में भी, अगर ये मदद करेगा आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, अगर आप दोस्तों तेल के बीच में प्याज को डाल करके पकाएंगे, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें।
कोकोनट का तेल ऐसे लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए जहां पे 12 महीने गर्मी ही गर्मी रहती है, सर्दी बहुत कम मात्रा में पड़ती है। जैसे कि साउथ इंडिया, महाराष्ट्र वाली साइड, वहां पे आप कोकोनट वाले तेल का इस्तेमाल करेंगे। बनाने की विधि वही सेम है, आपको क्या करना है, 50 ग्राम की मात्रा में खोबरे का नारियल का तेल लेना है और 25 से 30 से 40 ग्राम की मात्रा में भेरड़ का छत्ता, जिसको ततैये का छत्ता बोलते हैं, तमूड़ी का छत्ता बोलते हैं, पीले वाली जो होती है, येल्लो कलर की, जो काटती है मधुमक्खी, शहद नहीं देती, उसका छत्ता आपको डाल करके छोटे छोटे टुकड़ों में पका लेना है। 25 ग्राम जब आपका तेल बचेगा उसको छान करके प्याज का रस कितना निकालें, आप देखिए 25 ग्राम पूरा तेल तो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप कम से कम मान के चलिए कि जितने तेल आप अपने बालों के अनुसार लेने वाले हैं उतना ही आपको प्याज का रस, या फिर उससे थोड़ा सा कम, तेल थोड़ा अधिक होना चाहिए, प्याज का रस उससे थोड़ा सा कम होना चाहिए, यानी कि आप कह सकते हैं 3/4 होना चाहिए। तो इतनी मात्रा में लेकर के धीरे धीरे करके अपने बालों में मसाज करें, हफ्ते में 3 बार, डेली कभी भी सर नहीं धोना चाहिए आपको, डेली अगर आप सर धोते हैं तो बाल कमजोर होते हैं, तो हफ्ते में 1 से 2 बार नहीं तो मैक्सिमम 3 बार आपको धोना चाहिए। धोने से पहले आपको क्या करना है कि आधे से 1 घंटे के लिए ये अपने बालों में धीरे धीरे करके मसाज करके सर्कुलर मोशन में अपने बालों में ये लगा के छोड़ देना है, और हो सके तो अगर आप हफ्ते में 1 से 2 बार करेंगे तो बेहतर होता है, ये डेली कभी भी प्रयोग ना करें इसका। दोस्तों ऐसा करने के बाद 1 घंटा जैसे आप इसको छोड़ देंगे, बालों को किसी भी, दोस्तों माइल्ड साबुन से, शैम्पू से, जिसके बीच में केमिकल नहीं है किसी भी तरह का, उससे आपको धो लेना है, या तो हो सके जो रीठा का पाउडर आता है, शिकाकाई का पाउडर आता है, आंवला का पाउडर आता है, तीनों को मिला करके भी आप ये झाग बना सकते हैं एक साबुन वाली, और नेचुरल होती है ये, इससे अपने बालों को धोएंगे तो और ज्यादा लाभ होता है। एक चीज ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है, मैंने आज इस वीडियो में आपको ये जो घरेलू नुस्खा बताया है, इससे आपके बाल तभी उगेंगे जब आप कुछ योगिक प्रैक्टिसेस होती हैं, योग की कुछ पद्धतियां होती हैं उनका पालन करेंगे। ईशा फाउंडेशन सदगुरु यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च करके आपको क्या करना है, वहां पे सर्च करना है गूगल पे ईशा फाइंडर, ईशा टीचर फाइंडर, ऐसे लिखेंगे आप गूगल पे हठ योगा टीचर फाइंडर, तो आपका जो सिटी का नाम है वहां पे आपको स्पेस में सर्च बॉक्स मिलेगा, वहां पे डाल देना है, और वहां पे सर्च करने में वहां पे आपको टीचर का नंबर मिलेगा, उनको कॉल करके आपको उनको कहना है कि मुझे अंग मर्दना या फिर सूर्य क्रिया, इन दोनों में से कोई भी एक प्रैक्टिस सीखनी है, तो आप हमारे घर पे आइए, हमें सिखाइए, जितने भी पैसे होंगे वो आप उनको पे करेंगे, घर पे सीख करके इसको डेली प्रैक्टिस करें, या तो अंग मर्दना करें या तो सूर्य क्रिया करें, लड़का और लड़की दोनों के लिए बोल रहा हूं, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता कि आपकी उम्र ज्यादा है कम है, आपकी उम्र 50 से ऊपर है, 20 है, 22 है, 30 है, 35 है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये करना ही करना है। तीसरी चीज, अपने भोजन के प्रति सजग रहें, अच्छा भोजन ग्रहण करें, फल और हरी सब्जियों वाला। इसके अलावा नींद भरपूर लें, रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, कम से कम इतनी नींद लें कि आपको थकान महसूस ना हो। प्याज का तेल बनाने का और भी एक तरीका होता है, और भी 1-2 तरीके होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। प्याज का रस निकाल लीजिए डायरेक्ट बिना पकाए, सरसों के तेल में या फिर कोकोनट के तेल में, इन दोनों में से कोई भी तेल में, आप थोड़ी सी कम मात्रा में आपको क्या करना है कि प्याज का रस लेना है, यानी कि 1/2 की मात्रा में, यानी कि अगर आप मान लीजिए 2 हिस्सा तेल का ले रहे हैं तो 1 हिस्सा प्याज के रस का लेना है। इसके बीच में 3 से 4 बूंद आप नींबू के रस की मिला करके अपने बालों में हफ्ते में अगर आप ये एक बार प्रयोग करते हैं तो ये बहुत ही गजब का होता है, एक तो डैंड्रफ के लिए, एक बालों को जड़ से मजबूती देने के लिए, और साथ में स्कैल्प को क्लियर रखने के लिए। प्याज का तेल बनाने का एक और बेहतरीन तरीका होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है दोस्तों, भृंगराज का तेल अगर मिल जाए, बहुत ही आसानी से आयुर्वेदिक स्टोर में मिल जाता है। अब देखिए भृंगराज का तेल लेकिन शुद्ध होना चाहिए, मार्केट में मिलावट वाले भृंगराज के तेल मिलते हैं, तो जिस पे आप बहुत ही जेन्युइन भरोसा करते हैं उसी से भृंगराज का तेल खरीदें, नहीं तो भृंगराज की पत्तियों का तेल खुद ही बनाए घर पे। इस तेल के साथ में अगर आप दोस्तों प्याज का रस मिला करके लगाते हैं तो ये जो प्याज के रस वाला तेल होता है ये इतना बेहतरीन होता है बालों के लिए कि मैं आपको इसके बेनिफिट्स नहीं गिना सकता, इतना जबरदस्त होता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है बालों से संबंधित आज की ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल
भी ना भूले। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।